ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಒಂದು ಮಿಠಾಯಿ ಒಂದು हरदा में जिले में अनूपपुर के अमरकंटक पर जो चुनाव हुए थे नगर पालिकाओं के, उन सभी नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है, उसके लिए आप सबको बधाई दे। विरोध इस बात का है कि अब हम जनता से सीधे जुड़ गए, यही पीड़ा उनकी है और इसलिए जनता जवाब दे रही है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन आंदोलन कर रही है, हल्ला बोल आंदोलन। जन नहीं है एक भी संघ में, लेकिन जन आंदोलन है। जनता तो हर चुनाव में जवाब दे रही है। अभी मेरे से अखबार वालों का फोन आया, उन्होंने पूछा कि आज भाजपा जीत गई, क्या कहना है आपका। मैंने कहा कांग्रेस के पाखंड का जनता जवाब दे रही है, यही मेरा कहना है। कल केला चौक में कांग्रेस की सभा थी, परसों मंडी में थी, आज भी एक कांग्रेस की है। तीनों पे नेता अलग अलग है, कल रात में अलग नेता था, परसों मंडी में अलग रहते, आज अलग। एक असली कांग्रेस है दतिया में, एक नकली कांग्रेस है दतिया में, एक फसली कांग्रेस है। फसली मतलब जो फसल के टाइम पे आती है, नकली मतलब वो जो यहां पर सभा कर गए। दोनों नेता चार चार पार्टी से चार चार बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ही तानाशाही प्रवृत्ति को जनता हमेशा मित्रों नकारती रही है और यही परिणाम आपके सामने बड़ौनी पूरे प्रदेश के अंदर आए हैं, जिसकी मैंने बड़ौनी में आप सबको बधाई दी। हमारे और उनके सोच में बुनियादी फर्क है मित्रों। हम जब आते तो कोई ना कोई सौगात लाने की कोशिश बड़ौनी के लिए करते हैं, वो जब आते हैं तो गालियां लेकर आते हैं, बदवाएं लेकर आते हैं। ये अंतर है हमारी और उनकी सोच। वैश्विक मंदी के इस दौर में मित्रों तीन तीन बार अपनी विधानसभा क्षेत्र में हम मुआवजा लेके आए, सूखा राहत का मुआवजा आया, अभी बीमा की राशि पिछले ही हफ्ते सीएम दतिया में आए थे और 30 करोड़ रुपया दतिया में बांट के गए, 32 करोड़ बांट के गए और ओले जब गिरे थे तो ओले के लिए हम मुआवजा लेके आए। दतिया में हमने गरीबी को फटकने नहीं दिया, किसान के लोग हर संभव मदद पहुंचाने की हमने कोशिश की है। यहां पर मुझे बड़ौनी में बताया गया कि मीट मार्केट बाजार में है, अगर सीएमओ मेरी आवाज सुनते होंगे तो मैं उनको ये कह रहा हूं कि मीट मार्केट के लिए अलग से काली हाउस में व्यवस्था करें कि वो वहां पर शिफ्ट हो जाए। मेरी आवाज को सीएमओ सुनते होंगे तो मैं सीएमओ साहब को ये भी गुजारिश कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि सब्जी मंडी के बारे में मैं कई बार यहां से कह गया हूं, अब ये आखिरी महीना है, इस महीने में टेंडर लग जाए, अन्यथा फिर आप भी समझते हैं मुझे और मैं भी आपको समझता हूं। प्रार्थना आपको कि सब्जी मंडी का ये हो जाए। मित्रों ये मध्य प्रदेश का पहला है जो बड़ौनी में बन रहा है, कहां था ये जिले का नहीं है, दतिया का नहीं, बड़ौनी का नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश का है। और हमारे ग्वालियर चंबल संभाग की जितनी जांचें हैं, ये बकरी की जांच हो सकती है, ये खून की जांच हो सकती है और खून में भी हर तरह के ब्लड की जांच हो सकती है, कफ जो हमारा निकलता है, खरार जो निकलती है उसकी जांच होगी, मलेरिया की जांच होगी, डेंगू की जांच होगी, ये सारी जांचें अब अशोकनगर गुना में भी अगर किसी सरकारी अधिकारी को जांच कराना होगी तो वो बड़ौनी के अंदर आएगा, ग्वालियर मुरैना भिंड में भी जांच आएगा। ये 2 करोड़ 50 लाख का भवन है और इसमें इनके ऑक्यूपेंट और ऑक्यूपेसर भी बहुत शामिल है।